देखो बच्चों, नवोदय 2017 में आया, 20 परमाणु का औसत 18 है, 20 परिमाणों का औसत 18 है, प्रत्येक परमाणु में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो औसत का फार्मूला ये होता है, देखो हल, औसत बराबर पदों का योग, पहले फार्मूला याद होने चाहिए, ऊपर योग आता है, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक। यहां पदों की जगह क्या दिया है, परिमाण दिया है, पद की जगह क्या दिया है, परिमाण, बस ये ध्यान रखना। पदों का योग औसत कितना दिया है, औसत दिया है 18, ये दिया है प्रश्न में, यह लिख सकते हो दिया है, क्या दिया है, औसत बराबर 18, क्या दिया है, और परिमाणों की संख्या कितनी दी है, 20, हाँ परमाणुओं की संख्या बराबर 20, ये सिर्फ ये दोनों चीजें, ठीक। तो लगाइए, पदों का योग मतलब कि परिमाणों का योग, परिमाणों का, ध्यान से देखो पहले, का योग बराबर क्या होगा, इसका और इसका गुणा हो जाएगा, औसत गुणा परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या तिरछी गुणा हो गई, कितनी कैसी गुणा हो गई, इसकी इससे कर दी और ये यहां आ गया, पद की जगह क्या लिख दिया हमने, परिमाण, या पद था या परमाणु होगी, या पद था परमाणु होगी, योग निकाल लो, औसत कितना दिया 18, पदों की संख्या कितनी दी है 20, बराबर कितना होगा 336, परिमाणु का योग, योग कितना आ गया 336, साठ, सॉरी 360। अब क्या कर रहे हैं, आगे प्रश्न चलो, प्रत्येक परमाणु में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा, प्रत्येक परमाणु में से कितने परमाणु है हमारे पास, 20, सब में से 3-3 घटा रहे हैं, ये सब में से कितने कितने घटा रहे हैं, 3-3 घटा रहे हैं, तो 3 घटाने पर घटाने पर तो 3 × 20 सब में से घटा रहे हैं कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, हर एक में तो 3-3 घटाया मतलब 60 घट जाएगा, सब में से 60 घट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये योग आया है, योग में से ही घटाएंगे, ये 4 माइनस करेंगे तो नया योग कितना आ गया, 3-3 घटाने पे आ रही, अभी तो 360 आ रहा है योग, 3-3 घटा दिया है बस, तो 360 में से 4 घटा दो कितना आएगा 300, कितना आया 300 नया औसत, ये तो पूछ रहे हैं, देखो प्रश्न देखो क्या पूछ रहे हैं, नया पूछ रहे हैं, नया औसत, नया औसत कितना होगा, 300 को भाग कर दो, पदों की संख्या कितनी है, परिमाणों की संख्या कितनी है, 20, 20 से भाग कर दो, 0 से 0 काटो 15, कितना आया, थैंक यू वेरी मच।